ना जी, कोरोना आने के बाद कितनी सारी चीजें बदल गई हैं, दुनिया बदल गई है, सोच बदल गई है, कुर्सियां वही हैं, इंसान बदल गए हैं. मतलब पहले लोग चाइना के बारे में बोलते थे कि इनके सब लोग एक जैसे दिखते हैं, फिर उन्होंने ऐसी चीज छोड़ी, सारी दुनिया मास्क लगा के घूम रही, सब एक जैसे दिख रहे हैं. बिल्कुल. हाँ, जिस आदमी के पैंट के अंदर लंगोट नहीं होता था वो मुंह पे लगा के घूम रहा है. सबसे पहला बदलाव तो यही है, आप किसी होटल रेस्टोरेंट जाते थे ना, सबसे पहले आपको ऐसे सलाम करके वेलकम करते थे, आजकल आप जैसे जाते हो तो बंदूक निकाल लेते प्लास्टिक वाली. ओ अच्छा, चलो. अगर किसी का ज्यादा निकल आए उसको बताते भी नहीं है, भाग जाते. अब सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ना ट्रेन में एक सीट पे दो ही लोग बैठते हैं. पहले तो आपको पता 6 की जगह 14-14 लोग बैठे होते थे. अच्छा, जिसकी टिकट कंफर्म है वो तो बैठा ही रहता था, जिसकी वेटिंग में होती थी ना वो भी आधी अपनी 1/4 तशरीफ टिका के बैठ ही जाता था, बाकी उसकी आधी तशरीफ वेटिंग में लटक रही होती थी. और फिर जब ट्रेन हिलती थी ना, झटका खाती थी, तो झटके में जाके वो अपनी बाकी वाली कन्फर्म करता था. ये बड़ा टाइमिंग वाला खेल होता है, बॉडी वेट पूरा इधर हुआ तो पूरी की पूरी कन्फर्म, नहीं तो पूरी वेटिंग में आ जाती थी. पहले नीचे ऊपर के बर्थ को लेके बड़ा झगड़ा होता था. हाँ. बुजुर्ग लोग में बिना मैं बदलया बिना मेरे को प्रॉब्लम है. आदमी बोलते हैं अंकल मेरे तो खुद घुटने में प्रॉब्लम है. बेटा तेरी बात ठीक है लेकिन घुटना ये होता है बेटा, जाकर अभी आपको जरूरत नहीं बहस करने की. हाँ. आपको जो वाली सीट चाहिए उस आदमी के आगे जाके आदमी गोली से तेज निकलता है, खुद में खुद ऊपर चला जाता है. True. और अगर दो छीके मार दो आदमी ट्रेन ही बदल लेता है. एक टीटी ने देखा, एक ट्रेन में 3 लोग छींक रहे थे. हाँ. वो गया ही नहीं, उसको दूसरे डिब्बे में जाना था, बाहर से लटक के. मुंबई की लोकल ट्रेन में कितनी भीड़ होती है, लोग वो बड़ा आजकल मिस कर रहे हैं. बंदा अगर गेट पे खड़ा हो तो इतने लोग एक साथ चढ़ते ना हुश करके, कि जो आदमी बेचारा गेट पे खड़ा रहता ना उसकी ये शर्ट पूरी ऐसे पीछे को घूम जाती है, फिर वो आदमी पीछे वाले बंदे से अपने बटन बंद करवाता है. ए दिनेश बेचारा खड़ा, इतने लोगों ने धक्का मारा ना इसके कूल्हे घूम के आगे आगे. इसको तो पता ही नहीं चलता, इसने तो पर्स निकालने के लिए हाथ डाला, पीछे जिप खुल गई. ट्रेन में सामान बेचने वाले भी लोगों की भीड़ को मिस कर रहे हैं. आपने देखा होगा अर्चना जी, भीड़ में जो पेन बेचने वाला नहीं आता. हुँ. वो बड़ी स्टाइल से पेन बेचता था. ये पेन जिसे पढ़े लिखे लोग इस्तेमाल करते हैं, कोट में लगा लो तो बंदा जेंटलमैन लगता है. हाँ. कान में लगा लो तो इंजीनियर लगता है, सोच में डूब जाओ तो शायर लगता है. हाँ. अनपढ़ लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पढ़े लिखे लोग हाथ खड़ा करें. ऐसे में अनपढ़ भी खड़ा कर लेता था कि नहीं, प्रेशर में आके खरीद लेता था वो. अच्छा, ऐसे जो आदमी पढ़े लिखे पे ज्यादा जोर देता था, उसका पेन खरीदो ना, उस पे पेन के स्पेलिंग भी PAN लिखे होते थे, क्योंकि वो भी ऐसा ही था, पढ़ा लिखा होता तो कोई और काम ना करता. कोरोना जब नहीं आया था उससे पहले एयर होस्टेस आती थी जब फ्लाइट में, तो लगता था कि खूबसूरत मॉडल चल के आ रही है. तो अगर मौसम खराब भी होता था ना, होती थी, तो पायलट उनको भेजता था जाके चेक करो. वो आके बोलती थी कोई बात नहीं, थोड़ा जहाज हिल रहा है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे. आदमी कहता कोई बात नहीं. आजकल सारी एयर होस्टेस जो ना PPE किट्स पहन के आ रही, शील्ड लगा के आ रही, ऊपर से अनाउंसमेंट भी ऐसा है, इमरजेंसी में ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाएंगे. ये सब देख के लगता ही नहीं आप प्लेन में हो, ऐसे लगता है आप ICU में हो. ऐसे मगर एयर होस्टेस आके आपको पानी पूछ ले, लग रहा है ग्लूकोज पूछने आई है. ये पांडे ने तो एयर होस्टेस को देख के ये उतार दिया, उसको लगा इंजेक्शन लगाने आई. ये अपना दिनेश बड़ा परेशान हुआ, लॉकडाउन में जा रहा था. क्यों? बड़ा परेशान बेचारा, एक तो जाते ही PPE किट पहना दी, ऊपर से सेल्फ चेक इन करो, लगेज भी अपना जाके खुद रखो. ये बेचारा भोला आदमी, इसको लगा जहाज भी खुद ही उड़ाना है. तो ये PPE किट पहन के कॉकपिट में घुस गया, उनको भी लगा पायलट आया. ये भी बैठ गया, पकड़ा तब गया जब बगल वाले पायलट को पूछता, कहता इसका वो कहाँ है, कहता क्या, कहता कार वाला स्टेयरिंग. उन्होंने फिर लगेज में भेजा इसको. अच्छा, लॉकडाउन के बाद ना इंसान स्ट्रीट फूड बड़ा मिस कर रहा है, वरना इतिहास गवाह है पानी पूरी वालों का कभी क्राइसिस नहीं आया. बिल्कुल. उनके हमेशा इतनी भीड़ रहती है जितनी वो नोटबंदी के टाइम ATM के बाहर नहीं रहती थी उतनी. पहले तो क्या 10-15 लोग खड़े रहते थे. हाँ? ऐसे अपनी अपनी प्लेट पकड़ के ना. हाँ? सब भूखे तो खड़े रहते थे, तो वो पानी पूरी वाला जो होता ना उनको किसी की शक्ल नहीं याद रहती, उनको शर्ट और कलर याद रहते हैं. ये तो ऐसे ऐसे खिलाता था. अब इतने बंदे खा नहीं सकते, अब तो 2 लोग ही खा रहे होते हैं खड़े, या एक आदमी खा रहा होता है. वो जो खिला रहा है वो भी मास्क पहन के ग्लव्स पहन के खिला रहा है. हाँ. तो कई कई बार आदमी बोलता है भैया नमक थोड़ा कम है, कहता अच्छा कम है. अब बताओ कहता है. अच्छा, पानीपुरी वाला जब 2-3 लोगों को खिला रहा होता ना, तो 2-3 लोग पीछे भी वेट कर रहे होते हैं.
अच्छा पानी पूरी वाला चाहे गिनती भूल जाए, जो पीछे खड़े वो नहीं भूल रहे होते, वो गिनते रहते हैं चार हो गए पांच हो गए खा वो रहा है ये अपना मुंह खोलते रहते हो गया भैया इनका एक एक प्लेट छह छह हो गए। अच्छा जो खा रहा था ना वो गुस्से में देखता है, छठा गोलगप्पा के मुंह में होता है, इधर देख के था एक प्लेट और तेरे को बड़ी मौत पड़ी है, मैं खा रहा हूँ। बच्चों के स्कूल नहीं लग रहे ना, तो माँ बाप जो है वो स्कूल्स को बड़ा मिस कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये है कि बच्चे स्कूल जाएं, वो भी अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज शुरू करें। बच्चों की माओ का एक एक पूरा होता था शेड्यूल सारे दिन का, कि बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना सुबह, बस फिर वहीं खड़े खड़े पूरी मोहल्ले की औरतों के साथ किसने क्या किया पूरी इन्फॉर्मेशन ले दे के पूरी बातचीत खत्म करके फिर भी जाते जाते बोलती बाकी मेरे को फोन करती मैं लेट हो रही हूँ, ठीक है। वॉचमैन बोलता है मैडम दो मिनट और रुक जाओ, बच्चे वापस आ ही रहे, लेके जाना उनको। इतनी इतनी देर बातें करती थी। अच्छा लॉकडाउन में सरकार ने भी पुराने सीरियल दोबारा शुरू कर दिया, रामायण महाभारत, बच्चे बड़ा इंप्रेस भी हुए। ये अपना पांडे ना, इसके घर पे किसी लेनदार का फोन आया तो ये अपने बेटे को समझा रहा है, कहता बेटे उनको कह दो कि पापा घर पे नहीं है, बच्चा माइथो सीरियल देख रहा था तो उसको आदत होगी हिंदी बोलने की। कहता नहीं पिताश्री मैं झूठ कदापि नहीं बोल सकता, ये उचित नहीं है। फिर इसने भी उसी स्टाइल में उसको दिया, कहता पुत्र ये धन मैंने तुम्हारे अध्ययन के लिए लिया है। फिल्मों में देखना बड़ा बदलाव आएगा, पहले पहले 70s के पहले की फिल्मों में चले जाओ आप, कैसा होता था दो फूल दिखाते थे मिले और कट्टू अगले सीन महेश मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब नहीं मोलो, अब तो विलन भी हीरोइन को उठाएगा ना तो पहले सैनिटाइज करेगा और नीचे डिस्क्लेमर चलेगा ऐसे कि इस सीन में एक दूसरे को छू रहे सभी पात्रों ने सैनिटाइज किया हुआ है, हमारे विलन बिना सैनिटाइज किए हीरोइन को नहीं उठाते हैं। अच्छा पहले के जमाने में जब शादियां होती थी 10-10 दिन तक बारात रुकती थी, अभी बीच में लॉकडाउन में एक शादी हुई, लड़का बारात लेके गया, सबसे पहले तो उन्होंने 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया, फिर दूल्हा दुल्हन की पीपी किट में पहन के शादी हुई, फिर दूल्हा अपनी दुल्हन को लेके गांव गया 14 दिन वहां क्वारंटीन कर दिया, एक महीना सोचो जिसको रोका हुआ है स्वागत से। थैंक यू अर्चना जी, मेहमान आ रहे हैं तो मैं थोड़ा सैनिटाइज होके आ जाऊं, आप भी प्लीज अपने आप को सैनिटाइज कर लीजिए। थैंक यू। अर्चना जी आपने जादूगर तो देखे होंगे, हाँ। बड़े कमाल के कलाकार होते हैं वो, किसी भी चीज को गायब कर देते हैं और फिर वापस भी ले आते हैं। अच्छा जैसे मुझे लगता है आपने आधा जादू सीखा है। बिल्कुल वो तो उतना ही सीखना है मुझे। जादू की बात चल रही है तो आज हमारे बीच जो मेहमान आ रहे हैं वो दोनों अपने अपने फील्ड में जादूगर है, तो सबसे पहले इन्वाइट करते हैं उनको जिन्होंने अपनी आवाज से दुनिया भर में लोगों का दिल जीता है, प्लीज वेलकम द वेरी हैंडसम एंड वेरी टैलेंटेड सिंगर गुरु रंधावा। जोरदार तालियां गुरु के लिए। गुरु आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच भाई। अरे हैंडसम लग रहे हो यार। थैंक यू भाई। गुरु वैसे ही इतना हैंडसम, इतना क्यूट है और ऊपर से वेट भी इतना लूज कर लिया है, वाह। कितना वेट लूज कर लिया है गुरु? भाई मैं आई थिंक 12 kg। वाओ कैसे? क्या बात है। बस लॉकडाउन में मेहनत करी, जिम में शरीर तोड़ा। अच्छा। और पाजी को फॉलो कर रहा था साथ साथ। हाँ, ये भी लगा हुआ है। मैं गुरु की फोटो देख के लगा हुआ था, मैं कहा ये क्या कर रहा है बंदा। ऐसा होता है लोग के पास जब फ्री टाइम मिलता है ना तो उसका फायदा उठाते हैं, ये नहीं कि पति को दौड़ाते जाओ उसके वीडियो इंस्टाग्राम पे डालते जाओ, खुद भी दौड़ा करो। वाकई करना चाहिए मुझे। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि पंजाब से बढ़कर एक कलाकार निकले हैं और उनमें से कुछ ने तो पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया, तो गुरु कैसा लग रहा है आपको एक ऐसे ही टैलेंटेड बंदे से मिलते हुए? मुझे बहुत प्राउड फील होता है, गुरु मेरा छोटा भाई है और कहां से शुरुआत की और एक टाइम पे अभी जाके इंटरनेशनल जो सिंगर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और तीसरी बार हमारे शो पे आ गए। देखिए अभी तक आमिर खान को मौका नहीं मिला। तो गुरु इतना वेट कम किया है, आपकी भी कोई वेब सीरीज आने वाली है? अच्छा मैंने देखा है कि गुरु की आम ऑडियंस तो फैन है ही, इनके जो सुपरस्टार है ना वो भी बड़े फैन है, जैसे मिक्का बाजी मिक्का सिंह वो इनके बड़े फैन है। तो वो आपके सच्ची में फैन है कि जो आपके गाने में जो लड़कियां आती हैं उनका नंबर लेने के चक्कर में
मेरे को यकीन नहीं होता, मेरा पड़ोसी है भले ही, तो मुझे शक रहता है। यार मीका भाई, नहीं मीका भाई प्यार करते हैं और लड़कियों को भी करते हैं जो वीडियोस में होती हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि गुरु का एक बहुत ही कमाल का सिंगल जो है वो रिलीज हुआ है, नाच मेरी रानी। इसमें गुरु पॉप सिंगर नहीं, पॉप साइंटिस्ट बने हुए हैं। वाओ, हाँ, ये पता क्या टाइम है वो? व्हाट इज अ पॉप साइंटिस्ट यार? ये ना एक डमी है, उसमें जान डाल के उसको नोरा फतेही बना देते हैं। वाओ, मतलब ये तो वाकई जादू है फिर तो। मैं कहता हूँ ये फॉर्मूला हमें मिल जाए ना, तो कारखाने खुल जाए हिंदुस्तान में। ये किसका आइडिया था गुरु, ये ऐसा कि यार इस तरीके से, मतलब ये आई थिंक द ओम सर ने वीडियो करा है। और ओम सर बहुत ही फ्यूचरिस्टिक हैं, उन्होंने बहुत सुपरहिट फिल्म ताना जी डायरेक्ट करी है और उनकी सारी टीम बहुत ज्यादा मेहनती है और उन्होंने ही आइडिया दिया कि ऐसा कर सकते हैं। मैं तो किसी भी रोल के रेडी हूं, आपको पता मैं एक्टर तगड़ा हूं। लेकिन आई एम श्योर कि ये गाना भी गुरु का जो है इनके बाकी गानों की तरह तमाम लोग जो है वो बहुत पसंद करने वाले हैं, सुपर डुपर हिट होगा। एक तो खुद गुरु ने गाया है, ऊपर से नोरा फतेही मतलब कसम से भाई। एक और बात बताना चाहता हूँ मैं सबको आज। मेरे पिछले 3 गाने आए हैं, मैंने कॉल करी भाई को, मैंने कहा भाई ऐसे गाने आ रहे हैं, कुछ शो पे प्रमोशन हो सकता है, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने इस बार कॉल करी, मैंने कहा भाई मेरा गाना आ रहा है ऐसे, उसमें साथ से एक छोटी सी कलाकार है नूरा। कह रहे कौन? मैं कहा नूरा फतेही। कह रहे जल्दी आ जा। कह रहे गाना हमारे शो पे लॉन्च होगा। भाई ये देखो, अब हर बार मैं नूरा नहीं ले सकता, पर अगली बार फिर बुला लेना मेरे को। नोरा का इतना जिक्र हो ही रहा है तो प्लीज वेलकम सुप्रीमली टैलेंटेड नोरा फतेही। स्टार्टिंग में ही थक गए हम, खुशी से ही थक गए हम। वाह नोरा, आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आप हमेशा की तरह बहुत ही प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। और कहते हैं ना अर्चना जी कि भूखा आदमी जो होता है ना, उसको 2 रोटी दिखा दो ना, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि कहने का मतलब ये है, वो आदमी बेचारा खुश हो जाता है, लेकिन अगर उस भूखे आदमी के सामने पूरा बुफे लगा दो तो उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसलिए सोनी टीवी ने क्या किया, इन्होंने डायरेक्ट नहीं नोरा से मिलवाया हमें। पहले 1 महीना इंडियाज बेस्ट डांसर पे भेजा, कहते दूर दूर से देखो नोरा को। 1 महीना हम लोग देखते रहे आपको, बहुत अच्छी लग रही थी आप, और आपकी वजह से मतलब फैंस जो है वो, और कितने नए फैंस बढ़े उस शो के। आपको पता है जब नोरा उस शो से जा रही थी, बिकॉज मलाइका की जगह पे आई थी, तो इतने लोग इनसे प्यार करने लगे थे कंटेस्टेंट, टेरेंस ने तो बोलते साइड पे जाके अपनी चूड़ियां तोड़ी हैं। पर मैं एक बात बोलूं नोरा, हाँ जी, टेरेंस जब आपके साथ फ्लर्ट कर रहे थे ना, और आप क्या स्वीट है बेचारी, सपोर्ट भी करती है, बट आई एम सो जेलस। क्या बात कर, आई एम इंजर्ड, आई एम डैमेज्ड, आई एम फ्लैबरगैस्टेड। मतलब मेरे को पता नहीं, उसने एक नया शब्द सीखा इंग्लिश में, एंड फ्लैबरगास्टेड यहाँ पर जमता भी नहीं है, यहाँ पर नहीं यूज कर सकते। फ्लैबरगास्टेड मींस वेरी कंफ्यूज्ड एंड कंप्लीटली शॉक्ड, बट मे बी आई थिंक वो तो कंफ्यूज था। अच्छा, आई थिंक सो। भाई इन्ने वर्ड मुश्किल पंजाबियों ने तो वैसे हो जाता है। आपको बताओ पंजाबी, ये बिल्कुल सही कह रहा है, पंजाबी आदमी के लिए हिंदी इंग्लिश जैसी है। तो अगर हम इंग्लिश भी सीख गए ना, हमें तो सीधा प्रधानमंत्री बना दो आप, हमारा तो ये है। बट कपिल, आप तो शादीशुदा हो ना? हाँ कपिल, वो मैं अंधेरी वेस्ट में हूँ। कपिल, उस टाइम जब मैं आई थी याद है, हमने बात की इसके बारे में, शादी शुदा हो, ये सब मना है, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीवी का प्रॉब्लम होगा, मैं उससे कंफर्म कर लूं फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं नोरा के बारे में हमेशा एक बात कहता हूं कि बच्चों में डोरा और जवानों में नोरा बड़ी फेमस है। तो गुरु यही रीजन था कि आपने और नोरा ने जो है कोलैबोरेशन किया इस वीडियो के लिए? अजी ये वन ऑफ द रीजंस हो सकता है जी, बट हमारा असली रीजन और कुछ था। क्या? आपकी सांस बढ़ रही है नूरा को देख के। हाँ मतलब
भाई ऐसे सबकी सांस बढ़ती है और वो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। ऑक्सीजन बढ़ता है तो कोरोना आसपास भी नहीं आ सकता। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। आइए गुरु, आप चाहे उधर बैठ जाइए चाहे उधर, आपकी मर्जी। अगर गुरु आप इधर बैठ जाते ना तो मैंने बीच में बैठ जाना। और मेरा और क्या चल रहा है? वो तो मेरा भाई है, हम तो घर पे मिलते रहते हैं। इनसे फिर स्टेज पे मुलाकात होती है। हाँ जी। सैनिटाइजर भी हमने देखो पिंक रंग का रखा है। वाओ, सो क्यूट। या और कुछ खाएंगे आप, चाय कॉफी वगैरह कुछ? नहीं नहीं, मेनू भी भूख लग गई है। जाओ खाओ जाके। सो मीन। नो, सो नॉट सो मीन, आई मीन ही इज लाइक ब्रदर। या एंड नोरा इज लाइक, शी इज लाइक दिनेश भाभी। अच्छा मैंने देखा है इंडियाज़ बेस्ट डांसर में ना नोरा कंटेस्टेंट्स को 8-8, 9-9 नंबर देती है। कंटेस्टेंट भी खुश होते हैं नोरा मैम ने नंबर दिए, क्योंकि ये जीरो भी दे देना कोई गुस्सा नहीं करेगा, खुद जीरो फिगर मेंटेन करके रखी है। पर नोरा एक बात बताइए, आपने फिल्में भी की हैं। हाँ। आप टीवी शो भी करती हैं, तो मतलब आप मेरी वेब सीरीज में काम करने का मेन लीड में आपका कोई विचार है? हाँ, बट सुना है कि कास्टिंग हो चुकी है। वो बदल देंगे, उसमें क्या है। पर अगर डायरेक्टर नहीं माना तो? डायरेक्टर बदल देंगे। ठीक है, तो फिर अगर प्रोड्यूसर नहीं माना तो? तो मरवा ही देंगे उसको। ऐसे कैसे? प्रोड्यूसर भी बदल देंगे। आप बोलो बस। हाँ ठीक है, तो फिर अगर चैनल मना करता है तो? फिर चैनल नहीं मना करता, वो मेरे को गोद लिया हुआ उन्होंने। आप बस हाँ करो। अगर बीवी नहीं मानती तो फिर? तो मैं फिर ना समझूं? घर भी जाना वापस। मुझे लगा वो कहता है कि बीवी को चेंज करते मुझे बड़ी मुश्किल से बीवी मिली है नोरा। क्या बात है। हाँ, मैं तो मतलब मेरे को ही होता है, मैं ना फ्लर्ट कर करके ऑन कैमरा बदनाम हो चुका हूँ। और माँ कसम मैंने बैकस्टेज आज तक कुछ नहीं किया। बस आपको देख के लगा कि मेरे विचार बदलने चाहिए। अच्छा ओके, जोक सपाट। गुरु भाई एक बात बताओ जी, गुरु तो कमाल के सिंगर है, कमाल के परफॉर्मर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नोरा जो है वो डांसर बड़ी कमाल की है जी। आपको थोड़ा सा नर्वस हुआ कि यार नोरा के साथ मुझे परफॉर्म करना है? मैं शुरू शुरू में था नर्वस जब अच्छा। मेरे को डांस सिखा रहे थे अच्छा। बॉस को सर, उन्होंने हमें कोरियोग्राफी करी है इस गाने में, बट फिर तुम्हें पता है पंजाबियों की गल, मैंने फिर अपने अंदर 70% कॉन्फिडेंस डाला अच्छा, तो 30% डांस। क्योंकि इनके साथ डांस करना एक अपने आप में ही कलाकारी है। बट शी वॉज वेरी सपोर्टिव ऑन सेट, और फिर जाते जाते मैं इनको सिखा के गया 2-3 स्टेप भंगड़े के। भंगड़े के? बिल्कुल। भंगड़ा सीखा आपने? हाँ ऑफ कोर्स। 2 मिनट में आदमी एग्जॉस्टेड हो जाता है। हाँ, एंट्री ऐसे लेते हैं हमारे भंगड़े वाले, ऐसा एंट्री लेते हैं स्टेज पे, लगता ही नहीं डांस शुरू, लगता है हमला हो गया। अच्छा गुरु, आपके मैंने देखा जितने भी वीडियोस आते हैं बड़े मतलब कमाल के वीडियोस होते हैं, बड़े रिच अमीर वीडियो जिनको बोलते हैं ना, टी सीरीज में जाके लोकेशन, टी सीरीज पैसे, टी सीरीज बहुत अमीर है। तो ये जो अब आप वीडियो बनाते हो जी, तो आपकी मॉडल बाद में फाइनल होती है गाना लिखने के बाद, या पहले आप किसी को देखते हो? जैसे मैंने आपका गाना देखा फॉर एग्जांपल कि तैनू सूट सूट करदा, तो किसी को आपने देखा ही होगा सूट पहने हुए, तभी आपने वो लाइनें लिखी ना। लिखता भी गुरु खुद है पता है, गाने मल्टी टैलेंटेड बंदा है। कई बार होता है भाजी, जैसे लाहौर गाने की स्टोरी ऐसी है कुछ। हाँ। लाहौर गाना, मैं दुबई में था और मेरा एक दोस्त है, वो मुझे कह रहा था यार दिस पाकिस्तानी गर्ल जो तेरे गाने में आना चाहती है एज अ मॉडल। तो तब के तब रेडियो में सूट सूट चल रहा था अच्छा। तो उसने मैंने कहा कहाँ किया वो लड़की, तो उसने बोला लाहौर की है। मतलब ये रियल स्टोरी है, मतलब बनाई हुई नहीं है। या एंड दुबई में मैं फिर मैंने वो गाना लिखा भी, लग दी लाहौर दिया जिस हिसाब नाल हंस दिया, इतनी लाइन आई। उसके बाद मैं वापस आया इंडिया, फिर मैंने यहाँ पे गाना कंप्लीट करा, एंड दैट्स हाउ इट्स इंडियाज वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट सॉन्ग एवर मेड। हां वो स्ट्रीट डांसर में भी था। यस, यू वर देयर ऑन द सॉन्ग। यस सुपर। गुरु अभी अगर मैं आपको बोलूं कि नोरा को देख के दो लाइनें
क्या आपके दिमाग में आती हैं? अभी कुछ तेरा चन जिया चेहरा होए 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 तो दिल करदा मेरा होए 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 तेनू अपनी बना ला होए 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 हाय मैं ब्याह करवा ला और ये बना भी दो गाना, ये बहुत अच्छा है, कितना तगड़ा है। हाँ। ये अभी अभी लिखा मैंने, अभी भी बनाया है कसम से, लिखा भी नहीं अभी तो, बोला ही खाली, बोला ही अभी। हाँ, बस रिकॉर्ड है। आपको समझ में आया नोरा क्या बोल रहे हो? चंद जया चेहरा नहीं, बट आप ट्रांसलेट कर दो मुझे। चंद जया चेहरा, मैं भी तो सेम ही गांव से हूँ, मैं अभी कैसे समझाऊं इंग्लिश में? इट्स लाइक ओके, नाउ आई विल शो यू माय इंग्लिश स्किल्स बेब। हाय हाय, ही मेंट टू से योर फेस इज लाइक ए मून और तेनू अपनी बना ला, उसकी आप बताओ। I want to make you mine. Yeah, be mine. I want to make you mine. क्यों नहीं बोला be mine? वो एक सेंटेंस नहीं बना, फीलिंग बनी हुई थी। शादी वाली आप बता दो। हाँ, मैं तेरे ना ब्याह करवा ला। वो मैं नहीं बोल सकता ना। वो आप बोल सकते हो। ये मतलब ये है। देख हम जो पंजाब से हैं ना, सारे प्यार बड़ा बांटते हैं हम लोग। हाँ, सच है। We believe in love. बहुत ज़्यादा। Genuinely. We believe in spreading love. Yes. Spreading love. Spreading love. Yeah. प्यार दे दो और प्यार ले लो। हाँ जी। बस ये बातें ही लोग करते हैं, होता नहीं है प्रैक्टिकल। अच्छा, तुम्हारी सुल्लू में गुरु का गाना आया, बन जा तू मेरी रानी, अब है नाच मेरी रानी। हाँ। पाजी ये सवाल मेरा नहीं है, ये हमारी सारी टीम में बोलते गुरु से पूछना ही पूछना है जी। कौन है वो रानी, कहाँ है वो जिसको आप याद करते रहते हैं? हाँ, एक्चुअली कौन है? हाँ, मेरी बने ना बने मैंने आपकी तुड़वा के रहनी है, जो भी थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप है ना। पारी, आई थिंक कई बार जो वर्ड्स होते हैं वो रेगुलर लाइफ से उठाए गए हुए वर्ड्स होते हैं, और आम तौर पे बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को, वाइफ को रानी या ये सोना मोना जो भी कहता है। हाँ। मैं नहीं कहता हूँ, आप कहते होंगे। तो उसी में से जो आई थिंक जो रेगुलर यूज वर्ड होता है वो, उससे गाना बनाओ तो आई थिंक वो ज्यादा सुपर हिट है। और ये वाला गाना मैंने नहीं लिखा, ये तनिष्क भाई ने लिखा है गाना, नाच मेरी रानी, और उन्हीं ने म्यूजिक करा है। और आई थिंक उन्होंने भी कहीं देखा होगा कोई रानी रोनी स्टूडियो में कोई रिकॉर्ड करने आई। तो बेचारा शरीफ सा बड़ा है ना, बट शरीफ बंदा भाई, वो अपने घर पे होंगे ना, बाहर तो नहीं है ना। सपने तो उनको भी आते ही होंगे। अच्छा, गुरु भी शरीफ है? गुरु शरीफ है, हाँ बिल्कुल है, ये तो है। गुरु की स्माइल इतनी क्यूट है ना, मतलब cute. मैं तो लड़की होता मैं पट जाता इसके साथ। nice. Nice. तुम्हारे रास्ते खोल रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। थैंक यू भाई, आप जैसा मेरी तो शादी होगी। मैं कहा चलो भाई, आप जैसा भाई चाहिए मेरे को, सातों जन्म। Wow, what a friend. हवा उस तरफ, यहाँ ओए हेलो बच्चो, यहाँ इंटरव्यू चल रहा है, उधर चले जाओ। अंकल अपना इंटरव्यू चला के थोड़ा उस तरफ लेके जाओ ना। थोड़ा इधर चलो, हवा इधर इधर चलता हूँ, हवा यहाँ पे चल रही है अंकल। दिक्कत नहीं है, इधर गेस्ट बैठे हुए हैं। ए छोड़ना छोड़ना, अरे भाई छोड़ना, ये क्या, ये क्या किया तूने? पूरा मजा खराब कर दिया इधर। मिल लो, बहुत शैतान बच्चे हमारी सोसाइटी में रहते हैं। ये रामलाल है, धनी राम है? नहीं नहीं, रामलाल और धनी राम तो आंटी लोग के लिए। आ, आपके लिए तो मैं सोना हूँ। सोना, माय नेम इज बाबू, प्यार से यू कैन कॉल अस सोना बाबू।
तो गुरु से भी बात करो, गुरु भी तो आए गेस्ट, तुम्हें सिर्फ यही दिल पर हो रहा है। हाँ तो नोरा जी यहाँ पे इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं वो, वरना कहाँ। आपके सारे गाने वीडियो देखे मैंने अंकल, गाड़ी में कभी शू इधर, कभी गाड़ी में शू उधर, एक जगह टिकने वाली पार्टी नहीं है। अंकल अंकल आपने कौन सी वाली पढ़ाई की है हमको बताओ, हमको भी वही वाली पढ़ाई करनी है। क्यों भाई? क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके तो आजकल नौकरी नहीं मिलती, इनको तो हर गाने में नई छोकरी मिल जाती है। वो बहुत फनी है यार, तू कितना फनी है यार, तू ना तेरे को कॉमेडी करना चाहिए। अच्छा, तू भी सीख ले मेरे से। हाँ मैं भी वैसे अंकल मैं आपको एक बात बोलूं, आपको ऐसे कुछ चाय कॉफी अगर कुछ चाहिए होगा ना तो हमसे मांगना, आप नोरा जी से नहीं मांगना। क्यों? वो मैंने ना एक गाने में देखा, ये चाय कॉफी के अंदर ना कुछ मिला देती है। वो एक अंकल है ना, हाउ द जोश, विकी 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 अंकल, उनको तो खलास कर दिया था। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय चांस अगर कॉफी कहीं बाहर जाके पीना भी हो ना तो भी हमारे साथ चलना, ये आदमी के साथ नहीं जाना। हाँ। वो क्यों? अरे क्योंकि बिल आता है ना तो ये बाथरूम चले जाते। तू बहुत बने यार, तू कॉमेडी कर यार। नोरा 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 आपको पता है मैं घर पे होमवर्क कर रहा था तो मैंने थोड़ा सा कर दिया, मेरे बाकी का होमवर्क आप कर दो ना। ये क्यों करेंगी तुम्हारा बाकी का होमवर्क? अरे ये साकी साकी कर सकती है तो बाकी बाकी होमवर्क कर। ओ यार कितना फनी है यार, क्या कॉमेडी करता है। मैं नोरा को अपने घर पे बुलाता हूँ। बोला 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 नोरा बोला, आप मेरे घर पे चलो ना। ठीक है। वो पता है मेरी मम्मा है ना, वो मुझे रोज बोलती रहती है, बाल्टी में पानी भर, जाके बिजली का बिल भर, आप आके बोलना दिल भर दिल भर दिल भर दिल भर। ओए बहुत हो गया तुम लोगों का, चलो निकलो यहाँ से। ओ अंकल मतलब ये चल रहा है। अंकल आप बाहर जाके थोड़ा चॉकलेट वॉकलेट लो ना, हमको बात करनी है अंकल। शर्म नहीं आती बड़ों को बाहर भेजते हो चॉकलेट खाने? अच्छा जो इतने साल आप सब लोगों ने छोटे छोटे बच्चों को बाहर भेजा चॉकलेट खाने के लिए, वो कुछ नहीं। आज हमने बोल दिया तो अगर हम चॉकलेट खाने बाहर नहीं जाते तो क्या हो? कंट्रोल यार, इतना इतना नहीं, बस ठीक है ठीक है, रहने दे रहने दे, नहीं चाहिए उनको 10 तो ठीक है यार, ठीक है कोई नहीं। अच्छा कप्पू अंकल, आपके बिल्डिंग में आपके घर के ऊपर मीका रहता है ना, तो मीका के घर के नीचे आप रहते हो ना, तो तो कभी ऐसा हुआ है कि उनका कच्छा उड़ के आपकी छत पे आ गया हो? ये क्या फालतू बातें कर रहे हो? नहीं नहीं ये मेरी बिल्डिंग में ना मेरे घर के ऊपर रहता है, इसका कच्छा उड़ के मेरी छत पे आ जाता है, पूरी छत कवर हो जाती है, इतना बड़ा कच्छा है इसका। ये बात नहीं बोलनी थी यार। सॉरी। ये बात क्यों बोली तूने? सॉरी। यहाँ पे मेरे क्यूटनेस से इंप्रेस होने वाली थी और तूने सब कच्चे की बात कर दी यार, क्या करता है? सॉरी। अच्छा तो मतलब तुम दोनों यहाँ पे नोरा को इंप्रेस करने आए हो? कौन इंप्रेस नहीं करना चाहता साहब। आप ये जो लाल रंग की जैकेट पहनकर आए हो ये अर्चना आंटी को इंप्रेस करने के लिए आए हो? अंकल बच्चे नहीं, अंकल हमको सब मालूम है आपका बाहर से ये हेलो एंड वेलकम चल रहा है लेकिन अंदर तो हाय गर्मी। अच्छा नोरा क्यों ना आप उसमें जज थे ना, इंडियाज बेस्ट डांसर में। हाँ। कितना अच्छा जजिंग करते थे मालूम है, बार बार छोटे छोटे बच्चों के साथ उठ के डांस करते थे। और ये क्या हमारे जज है, ये उठती है खाना खाती है फिर बैठ जाती है, फिर उठती है फिर खाना खाती है फिर बैठ जाती है। अरे अपनी कुर्सी पे बैठ भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये दूसरे की कुर्सी पे बैठ जाती है। एक दिन देखना आंटी बड़ा पछताओगे। ओए तुम लोग बच्चे हो ना, बच्चों की तरह रहा करो, हम कहा बड़े बनने का कोई फायदा नहीं है। ये क्या याद दिला दिया इसने, हम लोग बच्चे। ये क्यों याद दिलाया यार, क्यों यार ऊपर से आके डाल रखी उसने, चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है? रो क्यों रहे हो? पता है क्यों रो रहे? क्योंकि क्या है, हम लोग अभी बच्चे हैं और नोरा भी जवान है, जब हम लोग बड़े हो जाएंगे
तो नूरा किसी और की हो जाएगी, हम लोग बर्बाद हो गए। चलो ज्यादा टंकी ना करो, चुप हो जाओ। यहाँ से शरारती कहीं के। ओके बाय। हमारे शो पे कोई भी आके बोले ना मैं बच्चा हूँ, मैं लड़की हूँ, मानो ही मत, कुछ ओरिजिनल नहीं है यहाँ पे, सब असेंबल्ड है। हमने आपका इंस्टाग्राम देखा नोरा, देखा क्या, वहीं रहते हैं हम। लॉकडाउन में नोरा ने बड़ी कुकिंग की घर पे। वैसे तो मुझे कद्दू बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इन्होंने ना एक पम्पकिन सूप बनाया था ना, वो वीडियो देख के मैं, मतलब मेरे घर पे कद्दू कद्दू उस दिन से बन रहे हैं। कद्दू के पराठे, कद्दू की सब्जी, कद्दू का हलवा। फिर मैंने एक महीने बाद अपना मुंह देखा शीशे में, मैं भी कद्दू ही था। फिर मैंने थोड़ा भागना भागना शुरू किया। ओहो गुड, आपको मेरा इंस्टाग्राम अच्छा लगता है? मैं क्या क्या अच्छा नहीं लगता इसे, मतलब एंटरटेनिंग है आपके लिए? एंटरटेनिंग लाइफ टेकिंग है। लाइफ टेकिंग मतलब ब्रेथ टेकिंग, बट ठीक है, चलता है। मतलब फीलिंग समझो, शब्दों में क्या है। हाँ वो सही बात है। नोरा आप अरब से हैं, अरबी तो बनानी आती होगी आपको? मोरक्को से। मोरक्को से। हमारे लिए क्या होता है, जो इंग्लिश बोले वो अंग्रेज, कई अमेरिका से भी होते हैं वो भी बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। कभी टिंडे की सब्जी खाई आपने? नहीं। टिंडा इज अ वेरी क्यूट, वेरी अंडररेटेड सब्जी। टिंडा होता है गोल सा होता है, हरा सा। आप खाली मुंह से बोलो तरी वाला टिंडा। तरी वाला टिंडा। टिंडा आप कल से देखना, टिंडे महंगे हो जाएंगे। अच्छा अर्चना जी, मेरा छोटा भाई है गुरु, लेकिन मैंने कभी ये बात वैसे पर्सनली भी नहीं इससे पूछी। इतनी देर से, इतने सालों से इनके धड़ाधड़ सुपरहिट सॉन्ग आ रहे हैं, हैंडसम भी इतना है, लेकिन आज तक मैंने कभी कोई अफेयर की बात नहीं सुनी। हाँ, या शायद पकड़ा ही नहीं जाता, या पता नहीं। या ना मैंने कभी किसी लड़की के साथ इनकी पर्सनल कोई पिक्चर देखी है। नहीं, नहीं। तो आप सच में शरीफ हैं कि आपकी पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कैमरे बंद हो जाते हैं, कैमरे चलते नहीं है, नेटवर्क खराब हो जाता है, इनको पता ही है सारा कुछ। बट आई थिंक जो जहाँ जहाँ मैंने काम करा है, जो भी वीडियोस करी हैं, आई मेक श्योर कि जो भी को स्टार मेरे साथ काम करने आती हैं वो कंफर्टेबल फील करें, उनको उनको घर जैसी फीलिंग लगे, क्योंकि मैं भी वहाँ काम करने गया हूँ, अगला बंदा भी काम करने आया है, और इसलिए मैंने कभी वैसा नहीं करा। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि को स्टार के साथ, मैं कहता हूँ इधर उधर कॉलेज, इधर उधर भी वो चलता रहता, ऑनलाइन डालना शुरू कर दो। फिर आप अगली बार पूछेंगे भाई वो पुराना चल रहा है कि नया लाइन लिया कुछ। बंदा ईमानदार है, ईमानदारी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। नोरा मैं ना एक बार दुबई गया, तो मैंने दुबई में ना शाहरुख भाई की मूवी चल रही थी दिल वाले दुनिया ले जाएंगे, तो डायलॉग मैंने अपने मन से सोचा शायद ये था, क्योंकि वो काजल को देख के कहते हैं कि अरबी में उन्होंने डब करते हैं ना, तो नीचे आते हैं सब टाइटल, तो अरबी में बोल रहे थे, तो मतलब मेरे समझ में तो नहीं आया क्या बोला, पर मुझे ऐसा लगा कि वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आपने कभी ऐसी अपनी वहाँ पे मूवीज देखी हैं ऐसे सबटाइटल्स के साथ हिंदी मूवी? हाँ मतलब एक दो बार देखी मैंने, मतलब ज्यादा नहीं है। आपको जरूरी नहीं है क्योंकि मुझे हिंदी आती है। अब आप तो हिंदी बहुत अच्छी बोलती है, वैसे आपको अरबिक आती प्रॉपर? हाँ अरबिक आती प्रॉपर, बट हमारा भाषा जो है मोरक्को में अरबी नहीं है। अरबी नहीं है, दरीजा है। दरीजा, दरीजा। मैं आपको एक लाइन दूं, आप दरीजा में बोल के बताएंगी? मैं कोशिश कर सकती हूँ। एक चुटकी सिंदूर की कीमत। सिंदूर? अच्छा सिंदूर तो होता ही नहीं होगा, होता ही नहीं होगा, सिंदूर तो नहीं है मोरक्को में, पर ठीक है, we'll try। नमक कह दो, नाल नमक ला दो। एक चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू नहीं कपिल बाबू लाओ ना, कपिल बाबू। हबीबा कपिल कीमत जेल मिलहा وش انت عادي تفهمها؟ آه 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 كابل حبيبة But حبيبة is what like My sweetheart, yeah I'm gonna increase my payment اچھا پھر دریزہ میں I love you کو کیا بولتے ہیں؟ کن بغیک کیا؟ کن بغیک کن بخیر And عربی میں بحبک ایک بار آپ کو بولنا ہے ہاں I love you دریجہ میں دریجہ میں؟ ہاں کن بغیک کن بخیر He said it right? This is gonna go viral. पारी जब ये assault वाली बात बोल रहे थे ना,
ऐसा लग रहा था वो एमिरेट्स मिस कर रहा था मैं, उसमें शुरू में अनाउंसमेंट नहीं करते वो मेरा पूरा हो गया आज 6 महीने से सोच रहा था कोई ऐसे आके बोल दिया, आज इन्होंने बोल दिया वो बड़ी प्यारी भाषा है यार, थैंक यू। और मुझे भी लगता है कि पंजाबी बहुत अच्छी प्यारी भाषा है और मुझे कुछ बोलना है पंजाबी में और आपको सिखाना है मुझे। ओके नूरा, सो हां बोलो पंजाबी धीरे धीरे। ओके कपिल मेरे नाल ब्याह करवा ले। कपिल मेरे नाल ब्याह करवा ले। करवा ले, मैं तो तैयार हूं। नूरा ये तो मुझे समझ में आया, ये मुझे समझ में आया, मतलब आप तैयार हो। वो अभी मैंने डायलॉग को आगे इंप्रोवाइज किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक और पहली वाला। हाँ कपिल, कपिल इस दुनिया दे विच साडे प्यार दे बहुत दुश्मन ने। अरे धीरे बाबा। कपिल, कपिल इस दुनिया दे विच, इस दुनिया दे विच तेरे मेरे प्यार दे बहुत दुश्मन ने, बहुत दुश्मन दे। चल मोरक्को चलिए, चल मोरक्को चलिए। हुणे निकलिए के रात नूं निकलिए। क्या बात है नोरा, ऑन टेलीविजन यू हैव प्रपोज्ड टू कपिल, यू हैव आस्क्ड हिम टू रन अवे विद यू। व्हाई आर यू आर जेलस? पर आप बहुत प्रीटी लग रही हो। हाय हाय आज वो मतलब हमेशा ही लगती है, ऐसी बात नहीं। इन्होंने आज सूट सूट गाने को पूरा कर दिया कि तेनू सूट सूट करता है, इससे ज्यादा नहीं कभी किसी को करा ये वाला सूट। क्या बात, आप रानी की तरह लग रहे हो। वाह, बिल्कुल सही कहा नोरा ने, रानी लगनी आप। सच में, रियली सच में, ये इस सिंहासन को बड़े प्यार से किसी ने बनाया, अब मैं रानी बन गई। यू नो मनी इज अ वेरी बिग थिंग, मनी इज अ बिग थिंग नूरा। हम लोग समझते रहे सिद्धू जी पॉलिटिशियन है, निकला कोई और। तुम क्या करने आई यहाँ पे? वो मैं सारी बातें बाद में बता दूंगी, पहले मुझे फटाफट 11 रुपए दो। किस लिए? घर में बहू आई है, मैं सगन ना डालूं। Oh my God. अरे नूरा रंधावा अपने गुरु की वोटी। ये तो प्लॉट ट्विस्ट है। इन दोनों की शादी थोड़ी है, ये दोनों सिंगल है। तो फिर एक साथ दोनों क्यों आए हो यहाँ पर? इन दोनों का गाना आ रहा है ना, तो उस गाने में ये लोग साथ है। वैसे तो दोस्त है दोनों आपस में। दोस्त? लड़की कनाडा से, लड़का पंजाब से, मुझे ये दोस्ती कम, कनाडा के वीजे का जुगाड़ ज्यादा लग रहा है। उसको कनाडा जाने की क्या जरूरत है, वो तो यहाँ पे करोड़ों कमा रहा है। ये चाहे तो बाहर जाके लाखों कमा सकते हैं। करोड़ लाख से ज्यादा होते हैं। हमें क्या पता पाजी, हमें कौन सा मिलते हैं। जिनको मिलते हैं उनको पता होगा, इनको भी नहीं पता, आपको भी नहीं ना। देखो 1500 में। भाभी हाँ जी, इतने प्यारे लोग आए हैं तो कोई ढंग की बात नहीं हो सकती? ढंग की बात? हाँ। आप दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? आपका इस साल फ्रेश गाना आया, अगले साल भगवान की दया से फ्रेश बेबी भी आ जाएगा। सच्ची मैं कह रही हूँ,
शादी के इतने फायदे होते हैं कि मैं बता नहीं सकती। क्या फायदा है शादी का? शादी के फायदे होते हैं कि आप उस लड़की के साथ हनीमून पे जा सकते हो जिसके साथ ना शादी से पहले मम्मी डैडी जाने से मना करते थे। ये क्या बात है? ये वही बात हुई। और हनीमून पे बातें नहीं होती, रोमांस होता है। हाँ जी, लेकिन ना गुरु बाजी मेरे घर में तो रोमांस ही नहीं होता। क्यों? मेरे जो पति है ना सारा दिन घर के काम में बिजी रहते हैं। हाँ। पति से घर के काम करवाती हो आप? अच्छा, जो बाकियों के पति मेरे घर में आगे काम कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं, वो तो फिर भी मेरा सगा पति है। आए बड़े भाभी, तुम्हें शर्म नहीं आती पराए मर्दों के बारे में ऐसी बातें करती हो? अच्छा जी, पराए मर्द के साथ वो औरत शादी कर सकती है तो मैं पराए मर्द की बात भी नहीं कर सकती? वो तो उनके पति है परमीत। पर शादी से पहले तो पराया ही धड़ा वो बंदा। पराया धड़ा मुझे मत कहा करो, मैं इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ, समझे? नोरा नोरा कैनेडा से हो ना, तो आपको इतना भी याद नहीं आया कि मैं जा रही हूँ इंडिया तो मैं भाभी के लिए छोटी सी सिटीजनशिप ही ले जाऊँ? सिटीजनशिप है कोई, कोई जैकेट थोड़ी को तुम्हारे लिए ले आती। तो देवर जी जैकेट कौन सा लेकर आई वो? अच्छा हाँ, एक जैकेट नहीं लेकर आई। और पाजी आप अच्छा अच्छा क्या कर रहे हो, आप भी तो इतना ट्रेवल करते हो, आप ड्यूटी फ्री से दो बोतलें ही ले आते हैं। भाभी तुम्हें शर्म नहीं आती बोतलें मांगते हुए मेहमानों से? मैंने कहा था ना हम पकड़े जाएंगे। मत करवाया करो मेरे से ये काम, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। ये ग्रीन टी पिला के दो दो बोतलें मंगवा लेती है मेरे से। पाजी मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई है। अच्छा? अगर मैं थोड़ा लेट शादी करवाती ना तो आज मैं बहुत बड़ी सिंगर होती। वो तो अब भी बन सकती हो ना देवर जी? अब नहीं बन सकती, अब मैं कमरे में जाके करती हूँ तो मेरे पति आ जाते हैं। सच्ची कह रही हूँ पाजी, सिंगल सिंगल के चक्कर में 11 एल्बम रिलीज हुई है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। पाजी लेकिन मैंने अभी ना गाने गुने छोड़ दिए, मैंने ना अब नोरा की तरह डांस किया करना है। नोरा की फिटनेस देखो और अपनी देखो। देखो उनको अपनी फिटनेस पे भरोसा नहीं, उनकी हंसी निकल गई। मैं बहुत ज्यादा फिट हूँ पाजी, मैंने डॉक्टरों से ना अपनी डाइट चार्ट सारा ले लिया हुआ है। अच्छा। अब मैं दिन के 12 पराठे खाया करूंगी। डाइट में 12 पराठे कौन खाता है? एक्चुअली मैंने जिस डॉक्टर से अपना डाइट चार्ट लिया था ना उसने 3 ही पराठे खाए, मेरी भूख ही नहीं मिटती थी। मैंने 4 डॉक्टर से सलाह की, उन्होंने 3-3 में मान गए, अब मेरे 12 हो गए। नोरा लव यू, लव यू मोर, इनकी तरफ से कह रही थी। मतलब आप मुझसे क्या नहीं करती है? नोरा मैं जफ्फी पाके तोड़ देनी हूँ। थैंक यू नोरा, थैंक यू भाभी, बाय बाय। ओह गुरु, नोरा हाँ जी, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे जो बैंड वाले दोस्त है ना ये बैंड कम बजाते हैं, हंसते बहुत ज्यादा है। तो कुल मिला के मतलब एक ये हो गए अर्चना जी, मतलब ये ऐसे कमा लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि आज थोड़ी मेहनत करवाएं इनसे। ओ आज हमारे जितने भी हमारे साथी हैं म्यूजिशियंस, इनको थोड़ा बैले डांस कराना है। और पांडे की तो बैली भी बहुत बड़ी, पांडे आज तो होगा ही। कम ऑन गाइस, कम ऑन पांडे, हाउ डेयर यू टू से टू नो टू नोरा, तेरे दिमाग का क्या हो रहा? बट आई थिंक पाजी ऐसे नहीं आएंगे जब तक नूरा दिल से नहीं बुलाएगी। नूरा प्लीज, नूरा बोलो पांडे जी सुनिए ना। पांडे जी, ओ मर गया पांडे। और मैं मैम को लेके आऊं? मैम यस आ जाओ यार, आ जाएगा पांडे, कभी नहीं हुआ। स्टूडेंट्स आज आप लोग डांस करने वाले हैं,
मतलब डांस लाइक नोबडी इज वॉचिंग, जैसे कोई नहीं दिख रहा है. मैंने कहा ये जब करेंगे नोबडी विल वॉच. मजा आ गया. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू अर्चना जी. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. वाह, जोरदार तालियां हमारे दोस्तों के लिए. सुपर. इन्होंने आज साबित कर दिया कि इनको डांस भी नहीं आता. आइए. ओह माय गॉड. जमीन पे, जमीन पे नहीं जाना, जमीन पे नहीं जाना, उठा नहीं जाएगा. नहीं नहीं नहीं, आप गिर भी गए ब्रो, तो अर्चना जी को बोल के मुझे उठवा देना. लोगों को हटाने का उठाने का आदत है इनको. वो आई कैन गो गुरु रंधावा इन द हाउस. वो यस ब्रो, यस नोरा फतेही इन द हाउस. मैन आई एम सो हैप्पी टुडे यू नो, लाइक सच में मैं बोल रहे हैं आप इतना खुशबू रहते हैं कि आपका खुशबूती देख के मेरा तो हाई गर्मी निकल गए और आपका हाई गर्मी देख के मेरा पसीना निकल गया और मेरा पसीना देख के अर्चना जी का मेकअप निकल गया और उनको बिना मेकअप के देख के मेरा चीख पुकार निकल गया. ये मेकअप देख लिए और इसको देख के नासा से साइंटिस्ट निकल गए, कहते डायनासोर वापिस आ गए. ब्रो आपका ये बात सुन के डेली सोप का सास डेली सोप से निकल गया, बोला ऐसा ताना तो मैं मारते, ये क्यों मार रहे. मैं आप सच बोलेगी नोरा जी, मैं कभी आपको बिग स्क्रीन पे स्मॉल स्क्रीन किधर भी देखते हैं ना तो मेरा आंखें एकदम वो का वो रह जाते हैं. वो कपू क्या बोलते हैं यार, वो हॉस्पिटल में चोट लगता है तो डॉक्टर व्हाइट कलर का ऐसा लगाता है पट्टी. हाँ मेरा आंखें पट्टी का पट्टी रह जाते हैं. आपको देख के मजा नहीं, एक वेट कर तू, एक दिन तू भी फटेगा. आपका गाना है ना दिलबर दिलबर. हाँ. ये आदमी दिन भर ऐसी बातें करते रहते हैं. ऐसा आदमी है ये. ब्रो 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 आदमी तुम्हारा पोल खोलेगा क्या अर्चना जी. हाँ? ये आदमी आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं क्या. आज गुरु को बुलाए हैं, कल ओ गुरु. नोरा जी लेकिन मैं बोलेगा आप बहुत ऑनेस्ट है. अच्छा. आप मलाइका अरोरा का कुर्सी लिए वापस भी दिए. ये सिर्फ कुर्सी लिए है, वापस नहीं दिए. लेकिन मैं बता रहे हैं, मैं आपने सच बताएगी तो मैं लंदन से अभी इधर शादी करने के लिए आए हैं. तो देखी कोई घोड़ी. किससे करोगे शादी ब्रो, किससे करोगे पूछ रहे हैं. ये तो वही बात हो गया कि बगल में नोरा शहर में डिंडोरा. थोड़ा मैं मजाक में कर रहा है, लंदन में कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है,
मैं बहुत बड़ा, मैं बहुत रिच है, बहुत रिच है, मैं उधर बहुत रिच, इतना अमीर है मैं, बकिंगम पैलेस पता है आपको, मैं उसमें रहते हैं। पूरा बताना कैसे रहता है ये, वहां पे उल्टा लेट जाता है, लोग इसको पैरों से खींचते हैं, ये मुंह से घास काटता है। He is working there as a grass cutting machine. Correct, bro. Actually, मेरा मुंह में अब दांत नहीं है, अब ब्लेड है। मैं अपने मुंह से ही लोगों का दाढ़ी भी शेव कर। तुम्हारा बनाए दाढ़ी में है क्या? ये अजीब आदमी है यार। नारी के सामने मेरा छवि खराब कर रहे हैं। Anyways, मैं नोरा जी कह रहे थे कि जाने अनजाने में हो गए हैं, लेकिन हो गए हैं, मुझे आपसे मोहब्बत हो गए है। ओए, ये बात तो सोचनी भी नहीं, गंदी मुंह पे रख के ना तेरे, मैंने तेरा मार ही देना तेरे को मैंने। कहा मतलब किस तरीके से, पता है नोरा ने कितनी फिल्में की हैं, तूने उतनी सोची भी नहीं होगी। अच्छा कितनी फिल्में बताओ ब्रो। बहुत सारी फिल्में की हैं। अच्छा हाँ, कितनी भाषाओं में उन्होंने फिल्में की हैं? ब्रो प्यार का कोई भाषा नहीं होता है ब्रो। सेम चीज जैसे, सेम वैसे जैसे इनका ये दोस्त है दिनेश, इसके हिसाब से ये बोलता है कि म्यूजिक का कोई संगीत नहीं होता है। ये बात लाइफ में कभी सुने है कोई? म्यूजिक का संगीत नहीं होता है ब्रो, तो किसका होता है? दिस मैन इज नॉट एक्चुअली म्यूजिशियन, ये कारपेंटर है। इसने ऐसा चोक चोक का ऐसा गिटार बनाया था, फिर मैं ये मैं अपने पास ही रखेगा, मैं देगा नहीं किसी को, इसके लिए लेके घूम रहे हैं। I'm telling you, it's like that, man. But sir, मैं आपको पूछना चाह रहे थे, मैं अपने लिए ना कुछ कपड़ा सिलवाने का सोच रहे हैं, तो मेरे को कैसा कपड़ा सूट करेंगे? उनको क्या पता भाई? अच्छा, सब लड़की लोग को तो बताते रहते हैं, तेनू सूट सूट कर दा, तेनू सूट सूट। मेरे को भी बताओ मेरे को कैसा कपड़ा सूट कर दा। मेरे को नहीं बोलेंगे, लेकिन सर वेरी फ्रेंकली मैं आपको एक वो देना चाहेंगे, वो ए ब्रो बीवी का भाई को क्या बोलते हैं? साला। हाँ, मैं आपको एक साला देना चाहेंगे, एडवाइस। एक साला ऐसे एडवाइस देना चाहेंगे, अपना जीवन में ब्रो कभी भी शादी करोगे ना, कभी भी जीवन में लड़के ऊपर क्या ये एंटेना है, एंटेना जीवन में कभी भी ब्रो आप नहीं, मैं बता रहे कि ब्रो जीवन में कभी भी जब आप शादी करेंगे, पूर्णिमा नाम का लड़की से शादी मत करना। क्यों? वरना साथ में आप गुरु पूर्णिमा हो जाएंगे। इतने बड़े सिंगर हैं गुरु, कोई ढंग की बात नहीं आती तेरे को? मैं ढंग की बात मेरे को बहुत आती है। करो फिर। मैं करेंगे करेंगे सर, अगर आप मुगल ईरा में पैदा हुए होते और अगर आप राजा होते और आपको जंग पे जाने होते, तो सामने वाला आर्मी पे आप धावा बोलते कि रंधावा बोलते? इससे ज्यादा ढंग का बात नहीं आती मेरे को। लेकिन सर मैं हमेशा देखे हैं, कोई भी गुरु आदमी रहते हैं ना, गुरु आदमी, हाँ। उनके साथ हमेशा उनका एक और वो रहता है, वो साइड किक टाइप का, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, गुरु का ठेला। अबे ठेला नहीं, गुरु चेला होता है, ऐसे बोलते हैं। नहीं नहीं ब्रो, चेला तो वो होता है जिसमें ऐसा मेरी गो राउंड होता है, जाइंट व्हील होता है, वो मेला होता है। नहीं नहीं, मेला तो वो होता है ऐसा छील छील के खाते है ब्रो। वो केला होता है? नहीं नहीं, केला तो वो होता है जिसका कोई नहीं होता यार, वो अकेला होता है। वही मैं कह रहा है नोरा, मैं बहुत अकेले है। मैं बहुत अकेले है नोरा, मैं सच्ची बोल रहे है, मेरा तो कोई साकी भी नहीं है, साकी, और मेरा बहुत ओ गर्मी भी मुझे लगते रहते है। अच्छा, और आप मेरा जिंदगी में नहीं आओगे तो बड़ा पछताओगे, तो सोच लो प्लीज नोरा। नोरा, Will you give me 100 rupees? इतना माहौल बना के 100 रुपए मांग रहा है ब्रो, मेरे को मेरा लेवल मालूम है, ऐसा लड़की मेरे से पटने नहीं वाला है। कम से कम 100 रुपए में मैं 10 वड़ा पाव तो खाएगी। मैं तो सच्ची बोल रहा है ऊपर वाला, मेरे को जीवन में प्यार देना नहीं था तो मेरे को इतना क्यूट क्यों बनाए? क्यों बनाए? देखो क्यूट का बात किए, मेरे को फोन आ गए, मेरे को फोन, मैं बहुत फेमस आदमी है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, जेनिफर लोपेज, जेनिफर लोपेज इज कॉलिंग मी, या वन सेक। हाँ जेनिफर, बोलो। क्या तुम्हारा ड्राइंग का पेज खत्म हो गया है? तो तुम स्टेशनरी का दुकान पे जाओ, उनको बोलो 2 पेज, वो बोलेंगे लो पेज। दो पेज, समझ गया जेनिफर? लो पेज जाके अभी जितना पेज लेना है अभी ले लो जेनिफर, जाने फिर ये मौका मिले ना मिले। ओके, चलो मैं अभी फोन काट रहे हैं। You know, like big people call me.
मैं बहुत बिजी हूँ. मेरे को अभी भी जानी पड़ेगी, मेरा जाने का मन नहीं कर रहे है, लेकिन जाने पड़ेगी. मेरा गर्लफ्रेंड का शादी है ना. तो मत जाओ ना. नहीं, मेरे साथ है ना. मेरे साथ, मेरे को जाने पड़ेगा. मेरा गर्लफ्रेंड का मेरे साथ शादी है, तो काश आप मेरे को पहले मिले होते, हम दोनों साथ में शादी पे जाते थे. एनीवेज, आपसे टेक केयर. ऑलराइट, नाइस. ऑलराइट, टेक केयर ब्रो. थैंक यू सो मच गुरुबाजी. थैंक यू सो मच नोरा फॉर कमिंग. थैंक यू, बहुत मजा आया. और आप आते रहा करो, जरूरी नहीं कि कोई गाना आए या कोई फिल्म आए, वैसे ही खुश रहते हैं बंदे. दो साल से पांडे का मुंह देख देख के ना, मेरे को ऐसा लग रहा है 6 साल से लॉकडाउन चल रहा है. पर आप दोनों ने आके आज माहौल बना दिया. और थैंक यू आपके ये एल्बम के लिए, तो लोग इतना पसंद कर ही रहे हैं. आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. आई लव यू बोथ. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. और दोस्तों, आप सब भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें. गुड नाइट. शबक है. थैंक यू. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.